वर्कशीट 9। वन डे अ कैट इंटर्स मिसेज आर्यास हाउस एंड सीज स्नूपी आइडलिंग। एक दिन एक कैट मिसेज आर्या के घर आती है और स्नूपी को आराम करते हुए देखती है। शी इज इम्प्रेस्ड बाय द लग्जरियस लाइफ स्नूपी इज लिविंग। वह स्नूपी के लग्जरियस लाइफ को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है। शी इंटरव्यूज स्नूपी टू पब्लिश द इंटरव्यू इन द एनिमल टाइम्स। वह स्नूपी से इंटरव्यू लेती है ताकि वह उसका इंटरव्यू जो है एनिमल टाइम्स, एक मैगजीन है जिसमें जानवरों के बारे में सारी बातें छपती हैं, तो उसमें वो पब्लिश हो जाए, उसके लिए वो इंटरव्यू लेती है। तो यहाँ पे क्या करना है, गेस द क्वेश्चंस दैट द कैट मस्ट हैव आस्क्ड स्नूपी। आपको क्वेश्चन गेस करना है जो कि उस कैट ने स्नूपी से पूछा होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर पहले से दिए गए हैं, एज ए कैट आपको उससे क्वेश्चन करना है। यस आई ईट बोन्स एंड ब्रेड एंड एट टाइम्स इवन चॉकलेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, डू यू ईट बोन्स एंड ब्रेड? आई डोंट डू एनी वर्क, आई जस्ट स्लीप एंड प्ले विथ किड्स। व्हाट वर्क डू यू डू? मिसेज आर्या डजंट माइंड इफ शी फाइंड्स मी स्लीपिंग, रेदर शी पैट्स मी एंड गोज अवे। डज मिसेज आर्या माइंड इफ यू जस्ट स्लीप एंड प्ले विथ किड्स? येस आई थिंक आई एम अ लक्की डॉग, डू यू थिंक यू आर ए लक्की डॉग? नो द किड्स डू नॉट ट्रबल मी एट ऑल, डू द किड्स ट्रबल यू? रिमेंबर सिंपल पास्ट टेंस शोज अ गैप, सिंपल पास्ट टेंस गैप शो करता है बिटवीन द पास्ट टाइम रेफर टू इन द सेंटेंस एंड द प्रेजेंट टाइम। जो सेंटेंस में जो पास्ट टाइम रेफर किया होता है उसके बीच और जो प्रेजेंट टाइम होता है उसके बीच जो गैप होता है उसको शो करता है। वर्कशीट 10। इन द यूनिट परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑफ माय इंग्लिश रीडर क्लास 6 द लाइफ स्टोरी ऑफ वनेशा द वायलिनिस्ट हैज बीन गिवन। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फ्रॉम हर स्टोरी। तो वनेशा जो कि एक वायलिनिस्ट हैं, उनके बारे में यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन दिया गया है। फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट वनेशा। वनेशा के बारे में ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया है इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये फिल करना है। वनेशा मे निकोलसन इज अ वर्ल्ड फेमस वायलिनिस्ट। एट द एज ऑफ 8 शी स्टडीड एट सेंट्रल कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक इन बीजिंग। एट द एज ऑफ 10 शी बिकेम अ स्टूडेंट एट द रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूजिक इन लंदन। सब्जेक्ट टू चेंज इज वन ऑफ हर पॉपुलर एल्बम। नाउ शी लाइक्स मोजर्ट, बीथोवन, माइकल जैक्सन एटसेट्रा। शी हैज अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी एज वेल एज इंटरनेशनल फेम। हाउएवर सम ऑफ हर टीचर्स आर अनहैप्पी बिकॉज दे डू नॉट लाइक द फ्यूजन ऑफ क्लासिकल एंड पॉप ऑन हर सीडीज। वर्कशीट 11। योर फ्रेंड कुड नॉट अटेंड योर बर्थडे पार्टी बिकॉज ही हैज गॉन अब्रॉड। Write a letter to your friend describing how you celebrated your birthday. I'm not going to read this letter. Just take a screenshot and write. Remember to form questions and negatives in simple past tense did is used.
सिंपल पास्ट टेंस में जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं या फिर जब नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं तो उसमें हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट गो, ही डिड नॉट लिसन, डिड यू ईट, डिड दे स्लीप। लेट्स मूव टू वर्कशीट 12। यू हैव रिकॉर्डेड एन इंटरव्यू ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन अ पेन ड्राइव। आपने एक एस्ट्रोनॉट का इंटरव्यू अपने पेन ड्राइव में रिकॉर्ड कर लिया है। द पेन ड्राइव हैज गॉट डैमेज्ड, और जो पेन ड्राइव है वो डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है। एंड सम डायलॉग्स आर फाउंड मिसिंग, और उसमें से कुछ डायलॉग्स हैं जो कि अब मिसिंग है, वो उसमें नहीं है। कंप्लीट द स्क्रिप्ट ऑफ द इंटरव्यू टू बी पब्लिश्ड इन द मैगजीन यू रिप्रेजेंट। अब जो चीजें उसमें से गायब हो गई हैं उसको आपको यहां पे फिल करना था। व्हाट टाइम डिड यू लैंड ऑन द मून? आई लैंडेड ऑन द मून शार्प एट 6 o'clock IST। हाउ डिड यू फील व्हेन यू पुट योर फुट ऑन द मून? आई फेल्ट वेरी हैप्पी, इट वॉज अ ड्रीम टर्न्ड कम ट्रू। Did you find any signs of life over there? No, I didn't find any signs of life. What did you eat there? We did not eat anything solid. What was your weight on the moon? I felt that I was very light. Thank you, sir, and congratulations for the wonderful achievement. Remember, सिंपल फ्यूचर टेंस डिस्क्राइब्स एन इवेंट डेट इज टू टेक प्लेस आफ्टर द मोमेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन। सिंपल फ्यूचर टेंस जो होता है वो ऐसे इवेंट को डिस्क्राइब करता है जो कि अभी हुआ नहीं है बल्कि अब आगे होने वाला है। यहां देखिए, आई और वी के साथ में शैल का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारे के साथ में विल का इस्तेमाल करते हैं। Look at example, I shall eat, they will go, Ravi will sleep, we shall not eat. The distinction between shall and will is gradually disappearing. It is now common to use will with all person. तो आज के जमाने में जो है अब shall जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। अब जहां हमको shall लगाना होता था अब लोग वहां भी विल ही इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्कशीट 13। टेकिंग वर्ड्स फ्रॉम ईच कॉलम मेक एट लीस्ट 6 मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको क्या करना है कि यहां 3 कॉलम दिए हुए हैं, 1, 2, 3, तीनों में से एक एक वर्ड निकालना है और फिर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। वन ऑफ देम हैज बीन डन फॉर यू, एक आपका एग्जाम्पल का दिया हुआ देखिए। दे यहां से ले लिया गया, Will यहां से आ गया, Play games यहां से आ गया। उसी प्रकार से आपको इन तीनों का इस्तेमाल से आपको करना है। They will play games, I shall eat ice cream, he will go to park, you will eat ice cream, Rani will play games, Sheetal and Silpi will play games. Worksheet 15. मिस्टर आर्या इज गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन अ सेमिनार। मिस्टर आर्या दिल्ली जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक सेमिनार में पार्टिसिपेट करना है। हिज सेक्रेटरी नोट्स डाउन हिज इटिनररी इन हिज डायरी। मिस्टर आर्या कॉल्स अप हिज सेक्रेटरी एंड आस्क हिम अबाउट हिज प्रोग्राम। मिस्टर आर्या अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं उसको और उससे प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं। The secretary opens his diary and tells him his program. Secretary जो है डायरी ओपन करता है और उन्हें प्रोग्राम के बारे में बताता है। ये देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है। Now complete the following information that Mr. Arya supplies to his wife. Take a screenshot from here and write. Worksheet 16.
Read the examples given below. It is 5 o'clock now. I leave at 6 o'clock to reach the station in time. We leave London at 10 a.m. the next Tuesday. Arrive in Paris at 10 o'clock. We spend 2 hours in Paris and leave again at 3:30. I am leaving in 10 minutes. She is leaving at the end of the week. We are going to meet him in an hour. I am going to tell you the truth. If you come, I will also come. I am going to get an award. All these sentences follow the patterns given in the tense chart, but they don't indicate the corresponding time. You will notice that the simple present and present continuous are also used to indicate the future time. तो ऊपर का जो हमने ये सेंटेंस पढ़े इससे हमें बस यही समझ में आता है कि जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस है उनके भी इस्तेमाल से हम फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर सकते हैं. जैसे कि आई एम गोइंग टू गेट एन अवार्ड, तो ये अवार्ड तो मिला नहीं है, मिलने वाला है, लेकिन ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सहारे ये फ्यूचर की बात यहाँ पे की जा रही है. आई एम लिविंग इन 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट्स में निकलने वाला हूँ, यहाँ भी देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन ये फ्यूचर की बात हो रही है. वर्कशीट 17, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे में देखिए सेंटेंसेस दिए गए हैं इसको पढ़ना है. ऑल दीज सेंटेंसेस आर इन द फ्यूचर टेंस, और ये सारे ही सेंटेंसेस जो हैं फ्यूचर टेंस में लिखे हुए हैं. री राइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द फर्स्ट टू हैव बीन डन फॉर यू. तो ये जो सेंटेंसेस हमारे दिए गए हैं फ्यूचर टेंस के, इन सेंटेंसेस को हमको रीराइट करना है. देखिए यहां पे 5 है, इसमें के 2 पहले से कर रखा है, ये 3 करना है. आई विल लिव इन हाफ एन आवर, आई एम लिविंग इन हाफ एन आवर. तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस था जिसको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से भी सेम मीनिंग निकल गया. आई शैल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक. तो ये तीनों आप ट्राई कीजिए. आई एम लिविंग द क्लास इन 2 मिनट्स, वी आर शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, वी आर गोइंग टू मनाली इन द समर वेकेशन. ये और भी 3 सेंटेंस है. We are going to play a friendly match tomorrow evening. We are going to have the scholar badge function tomorrow. She is going to school on Sunday also. Do it yourself. Look at the pictures and complete the dialogues using the verbs given below. Some words can be used more than once. यहाँ देखिए कुछ words दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ conversation दिया गया है. सही वर्ड को सही जगह पर प्लेस करना है. फर्स्ट ट्राई बाय योरसेल्फ, देन आई विल शो यू द आंसर. माय डॉटर रन्स स्विफ्टली टू हिट द बॉल, माय सन रोनी प्लेस इक्वली वेल. द बॉल वाज मूविंग सो फास्ट दैट आई फियर्ड इट माइट हर्ट हर, but she played in an intelligent manner. I talked to her after the game. I congratulated her. She did not eat anything before the match. Roni also had only milk. Do you want to play in the rain? No, I will get wet. So what? Children enjoy playing in water. Actually, I love playing in rain, but last time I got wet and mummy scolded me for that. Today, I will not go in rain. Take, pain, fall, get, do.
Does this leg hurt? Yes, it pains a lot. How did you get hurt? I fell down. You should have been careful. I will take care in future.